सांजटा गांव में एक विवाहिता के साथ दहेज को लेकर ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। शुक्रवार को जमुना पत्नी मगारा मेघवाल ने जिला पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में जमुना देवी ने पति, सास ससुर व ननद पर पिछले 6 वर्षों से दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने व नाक काटने की धमकी देने का आरोप लगाया। बाड़मेर के सांजटा गांव में एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। विवाहिता ने आरोप में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कही है कि दहेज के बिना घर आने पर सास ने उसकी नाक काट देने की धमकी दी है। जानकारी के मुताबिक सदर थाना क्षेत्र के सांजटा निवासी जमुना देवी पत्नी मगारा मेघवाल ने बाड़मेर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार की है। जमुना ने SP को सौंपे ज्ञापन में बताया कि उसका विवाह 10 साल पूर्व हुआ था, उसके 3 बच्चे हैं। उसने ज्ञापन में बताया कि बीते 6 साल से उसके सास ससुर और पति 50,000 रुपये के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। विवाहिता ने आरोप लगाया है कि उसके साथ कई बार मारपीट की गई। ज्ञापन के मुताबिक उससे 9 नवंबर को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया था। वो रात में पैदल अपने मामा के घर लोहारवा पहुंची। उसने प्रताड़ना के मामले को लेकर महिला थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पति को मारे, इसकी सास भी दे मैं निकाल दूँ मारे। तो इस वजह कि ये बोले कि किस वजह निकाली, तो कह आपको दे दिया दे, तो मगर हम इसका पति है वो दे डर भी गया। ये किताब दी बहुत बराबर है, इसके ससुर दी क्या बोला ना काट दोगे बर काट दो। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष और सामाजिक पंचों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।